Greetings everyone, I welcome you all to my channel. आप सभी को हमारे चैनल में हम वेलकम करते हैं. आज के इस सेशन में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल को, जो हम प्रोजेक्ट जो म्यूजिक कंपोज करते हैं उसको कैसे हम जो है फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच कैसे उसको जो है शेप में लाते हैं. इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक भी नहीं, फिर भी कैसे गाने को कंपोजिशन करना, लेयरिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक है फिर भी. उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. जो न्यू कमर्स होंगे म्यूजिक प्रोडक्शन में उनके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. दैट विल बी अ बिग सपोर्ट टू माय चैनल. और जो भी इस सेशन से रिलेटेड जो भी गैजेट्स, ऐप और जो भी DAW का यूज किया गया उन सबके डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के, आप लोग उसको क्लिक कर सकते हैं और जो है उस जो भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ले सकते हैं और आप अपने म्यूजिक को और भी ज़्यादा बेहतर, हम जितना कर रहे हैं उससे बेहतर आप उसको करने पाएंगे. एंड एंजॉय द सेशन. ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज लिंस लुकोस एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. इट्स बीन अ व्हाइल, काफ़ी समय बाद आप लोगों से मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर. आज के सेशन में हम जो हैं आपसे शेयर करेंगे कि हम किस तरह से जो है म्यूज़िक को कंपोज करते हैं. हम FL स्टूडियो जो DAW है, जिसे डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, DAW FL स्टूडियो हम यूज़ करते हैं. और ये एक, जब आप FL स्टूडियो खोलेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा अलग दिखेगा. अलग दिखने के कारण है, इस तरह से दिखने का भी कारण है. जनरली आप लोगों को ये सिर्फ कुछ इस तरह से दिखेगा या जब पहली बार आप खोलेंगे थोड़ा और अलग दिखेगा, बट हमने ये जो है अपने काम के अनुसार जो है इसको कस्टमाइज करा है. एंड ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप लोग अपने पैटर्न्स को जो है डालते हैं, रखते हैं और उसके बाद जो है ऐसे अलग अलग पैटर्न्स से मिलकर आपके जो है गाने जो है एक शेप को लेते हैं. हम इसको पूरा इरेज कर देते हैं, राइट. एंड दूसरी चीज़ है यहाँ पे चैनल रैक में आप लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पलर आपको दिख रहा होगा, राइट. इसे जस्ट सैम्पलर आपको दिख रहा होगा. आप इसमें और VST प्लगइन्स को आप ऐड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स सीधी भाषा में आप कह सकते हैं, उनको आप जोड़ सकते हैं. हम जनरली जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए FL स्टूडियो में FL कीज़ का यूज़ करते हैं कॉमनली. एंड हम जो है दूसरी जो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग्स में प्लग्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं. इसे जैसे कि आप अभी आवाज़ हम थोड़ा इसका बढ़ा देते हैं. आई थिंक नाउ इट इज़ फाइन. सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. ये एक दूसरा प्लगइन है और भी कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं. अभी जनरली हमने हाल ही में तो नहीं बट फिर भी हमने जो है एक दूसरी चीज़ है जो हमने यूज़ करना शुरू करा है, जो है पैचर. पैचर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप कई सारे प्लगइन्स को जोड़ सकते हैं कॉम्बिनेशन में और उसके बाद आप जो है उस म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये आपके पास आता है और FL कीज़ हमने इसमें डाला. इसमें हम कंट्रोलर डाल देते हैं एंड उसके बाद हम इसमें पैरामेट्रिक EQ2 जो है ये जस्ट इसलिए जैसे कि हम जस्ट वेट ओके फाइन. चलो ये अभी सही है, उम्मीद करते हैं हमें थोड़ा ठीक लगेगा. आवाज़ बहुत इसकी कम है, नो वरीज, हम इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देंगे. जस्ट इट्स हियर, इसे हम 11 पे सेट कर देते हैं. ओके अभी देखेंगे, फाइन. ओके सो ये एक चीज़ है जो हमने सेटल कर दिया है. हम ऐसे इस तरह से जो है अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करते हैं. आपके पास MIDI कीबोर्ड होगा या अन्य जो
MIDI कंट्रोलर्स होंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली जब भी हमने शुरुआत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल एपल स्टूडियो के साथ जब शुरू करा था, तो हमने इस कंप्यूटर कीबोर्ड को एज MIDI कीबोर्ड यूज़ करा था या MIDI कंट्रोलर की तरह यूज़ करा था, जिसमें आप जो है कंप्यूटर कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप ऊपर देखेंगे, ये अभी पियानो ये येलो हो गया है। ये प्ले करने के बाद, ये प्रेस करने के बाद जो है आपका ये लैपटॉप कीबोर्ड या आपका कंप्यूटर कीबोर्ड जो है, जो एक्स्ट्रा कीबोर्ड है, ये MIDI कंट्रोलर की तरह बन जाएगा। आपके लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो भी MIDI कंट्रोलर की तरह एक्ट करने लगेगा। इसमें आप कीज प्ले कर सकते हैं, जिसके अभी हम W P I O प्ले करा तो ये एक आवाज़ निकाल रहा है। इसमें आप ऑक्टेव जैसे कि C D E F G A B वो आपका Q W E R T Y U I उसके आगे और चलता रहेगा, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा। ये O P फिर स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन क्लोज वहाँ तक ही रहेगा, यानी कि सी फिर डी ई एफ जी तक ये जाएगा। और इसमें ऊपर की जो आपके 1, 2, 3, 4 कीज हैं उसमें जो है आपके शार्प्स भी आते हैं, यानी कि सी के बाद जो 2 आएगा वो सी शार्प बन जाएगा। इस तरह से आप जो है कीज को प्ले कर पाएंगे, ठीक है। आपकी ASDF वाली लाइन भी शार्प्स में आता है, और Z ये लोअर ऑक्टेव में आएगा, X ये D की तरह है, C V B N M, एंड देन ये जो जहाँ पे आपका कॉमा आता है दैट विल बी योर C, उसके बाद फुल स्टॉप जहाँ पे आप यूज करते हैं दैट विल बी योर D, एंड देन E, यहाँ तक कीज आपके चलते हैं, फाइन। ये शुरुआती में हमने जब म्यूजिकल ये इंस्ट्रूमेंटल शुरू करा तो हमने ये कंप्यूटर कीबोर्ड या लैपटॉप कीबोर्ड को जो है MIDI के कंट्रोलर की तरह यूज़ करा। बाद में हमने, आपने हमारे कुछ वीडियोस में देखा होगा, जो है हमने एक मोबाइल ऐप है उसको हमने एज अ MIDI कंट्रोलर यूज़ करा। ओके, सो जैसा हम बता रहे थे कि हमारे बाद में कुछ ऐसे वीडियोस आए जिसमें हमने ये मोबाइल ऐप है, इसका नाम हम लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमने इसको एज अ MIDI कीबोर्ड या MIDI कंट्रोलर की तरह यूज़ करना शुरू करा। परफेक्ट पियानो को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड डिपेंड करता है आपके लैपटॉप कंपैटिबिलिटी के अनुसार जो है। एंड नाउ वी विल बिगिन विद दिस सेशन। सिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, और बिल्कुल बेसिक से जाएंगे तो आप लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे। सो जो है हम मेन आपको जो बताएंगे कि कैसे आप लोग एक म्यूजिक को कंपोज कर सकते हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। आई विल पुट दिस ऑन 11 एंड 12, लेट्स हैव वन मोर 11, ओके फाइन, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ओके, सो जैसे हम कहने वाले थे कि सिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, और अगर हम सीखने के लिए रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी। सो हम लोग सीधे कंपोजिशन पे जाएंगे धीरे धीरे, जो कई शॉर्टकट्स हैं और बाकी चीज़ें किससे क्या होता है वो हम तब सीखेंगे। आपको ये इतना पता चल गया है कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चैनल रैक में ऐड करना है। ये चैनल रैक है, ये आपका प्लेलिस्ट है, ये आपका पियानो रोल है, फाइन फाइन। एंड देन अगर आप प्ले करेंगे, ओके, तो इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं किसी भी म्यूजिक आइडिया को। और प्लेलिस्ट में भी आप जो है ये जो पैटर्न आता है वो आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टफ। जस्ट zoom it, alt T प्रेस करने से आप मार्कर को ऐड कर सकते हैं। हम जनरली जो है दो मार्कर ऐड करते हैं, क्योंकि इसी तरह से हम अपनी शुरुआत करते हैं म्यूजिक की।
हम जस्ट इसे ड्रैग इन करेंगे यहाँ पे। फोर बार्स जो है म्यूजिक की शुरुआत करने के लिए काफ़ी एक अच्छा एक शुरुआत करने के लिए एक अच्छा एक स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। हम जस्ट इसको एक पैटर्न का लेंथ डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, फाइंड आउट दिस इज फाइन। ओके सो ये हमारा एक पैटर्न है। ओप्स ओप्स फाइन ओके एनीवेज ये प्रोजेक्ट एम्प्टी है। सो ये हमारा एक पैटर्न है और ये अभी खाली है, इसमें कोई भी मीडिया सिग्नल अभी नहीं है। मिक्सर ट्रैक के बारे में आपने को हमने बताया कि इसमें 125 इंसर्ट्स हैं, जिसमें आप हर एक इंसर्ट में आप 10 स्लॉट्स हैं और जिसमें आप अपने इफेक्ट्स को डाल सकते हैं। फाइन हमने आपको पियानो रोल के बारे में बताया ना, अब हम कोई म्यूजिकल आइडिया को पेंट करने की शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारा चैनल रैक है, चैनल रैक थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे नीचे करेंगे। फाइन अगर हम कंट्रोल F5 दबाने से आपका टेम्पो टैपर आता है, आप टैप करेंगे कोई भी टेम्पो को और वो जो है आपके यहाँ पे जो मेन आपका जो टेम्पो है जो उस पर आ जाएगा, आपके प्रोजेक्ट का टेम्पो बन जाएगा। हम अपने इस मिडी कंट्रोलर जो अपना एंड्रॉयड ऐप है उसको हम दो बार टैप करेंगे। हमने दो बार टैप करा, उसने हमें अपना BPM बता दिया। चार बार टाइप करते हैं कई लोग, चार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही पर्टिकुलर 4x4 में यूज़ कर रहे हैं और आपको दो ही क्लिक में आपको जो है आपका पूरा BPM जो है आपको मिल जाएगा, तो आपको चार बार क्लिक करने की जरूरत है। 1, 2 और ये इसे रिकॉर्ड कर देगा। 55 BPM है जो हम यूज़ करेंगे। और ये जो बटन आपको देख रहा है ये मेट्रोनोम का बटन है। अभी हम इस बटन को बंद कर देते हैं क्योंकि ये बटन हम अपने लैपटॉप कीबोर्ड या कंप्यूटर कीबोर्ड को MIDI कंट्रोलर की तरह यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। सो हमने उसको ऑफ कर दिया है एंड अब मेट्रोनोम को हमने ऑन कर दिया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट का जो है BPM को सुनेंगे। 1, 2, 3 फाइन ओके दिस इज फाइन वी आर गुड टू गो। अब जो है इसमें एक और चीज़ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंट डाउन है 3, 2, 1। ये आप ऑन करेंगे, इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी म्यूजिकल आइडिया को पेंट करने से पहले आप जो है आपको टाइमर मिलेगा, टाइमर के बाद आप जो है अपने म्यूजिकल आइडिया को पेंट कर सकते हैं। हम 1, 2 जस्ट वेट, रिकॉर्ड के बाद हम R प्रेस करेंगे। जस्ट R प्रेस करने से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेड बटन, ये जो है आपको कर्सर जहाँ दिख रहा है ये ऑन ऑफ यानी कि R प्रेस करते ही आप जो है ये रिकॉर्ड को एक्टिव कर देंगे और आपका जो भी म्यूजिकल आइडिया है आप रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके बाद आप स्पेस की दबाएंगे और जो है काउंट डाउन चलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप जो है अपने चार काउंट के बाद अपने म्यूजिकल आइडिया को पेंट कर सकते हैं। फाइन सो जस्ट शुरू करने से पहले अभी फिलहाल हम R ऑफ कर देंगे। हम एक बार ट्राई करेंगे कि हमारा म्यूजिकल आइडिया क्या होना चाहिए करके। जस्ट एक ट्राई 2, 3, 4 ओके एक और इसमें जोड़ते हैं। यस ये दिस इज फाइन ओके ये आइडिया के लिए सही है। हम R प्रेस करेंगे एंड हम अपने आइडिया को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। 1, 2 ओप्स मिस्टेक, ऐसी गलतियां कई बार होती रहेंगी आपसे। GD ओके 1 ओके ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। हम इसे स्टॉप कर देंगे। हमने R प्रेस करा, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया और स्पेस बार की प्रेस करने से हम अपना जो है BPM की आवाज़ को बंद कर देंगे
ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमने जो पहला हाफ पोर्शन था फोर बार का वो हमने ले लिया है, हम यहाँ पे भी दो मार्कर को ऐड करेंगे, एक और जिसे रीनेम करेंगे टू, ऐसे वन वन ए, ये नाम सही रहेगा, ज़्यादा डेकोरेटिव नेम करने से कोई हमें कुछ खास हेल्प नहीं मिलने वाली, जस्ट कंट्रोल ए ऑल्ट क्यू प्रेस करने से बाय जस्ट ऑटोमेटिकली ये जो है क्वांटाइज हो जाएगा, यानी कि सब ये जो आपको अभी लाइन दिखा ऑल्ट क्यू, इस लाइन के अनुसार जो अपने नियरेस्ट लाइन है उस पर वो जो है स्टिक हो जाएंगे और जो है ऑटोमेटिकली ये अलाइन हो जाएंगे, और ये आपका जो मिडी सिग्नल है ये सब लाइन पे आपको देखने शुरू हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक करके ये सब अपने अपने नियरेस्ट लाइन पर अटैच हो गए हैं, हमने ये एक जोड़ दिया है एंड यही हम इसको ओके फाइन गॉट इट फाइन, यहाँ पे लगा ये होने वाला है ओके लेट्स कंट्रोल ऑल, आपने सारा सेलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, शिफ्ट एंड देन ड्रैग ओके ऑल्ट क्यू क्वांटाइज आपने कर दिया है एंड दैट्स डन, सो आपका पहला बार आपने इतनी जल्दी कर दिया है। फाइन लेट्स हियर हाउ इट साउंड्स लाइक ओके, हम इसे कंट्रोल ए कट यहाँ से कट करेंगे एंड देन विल पेस्ट कंट्रोल कुछ गड़बड़ कर दिया, एक स्टेप हमने मिस कर दिया, या कंट्रोल ऑल कट एंड देन हम इसे पहले वाले पे पेस्ट कर देंगे और हमारा पूरा का पूरा जो पहला पैटर्न है वो तैयार हो गया है। पहला पैटर्न यानी कि हम जस्ट कुछ शुरू करने के लिए हमारे पास अब रहेगा म्यूजिक को कंपोज करने के लिए, आई प्रेस प्लस, हम प्लस को प्रेस करेंगे और जैसे हम प्लस को प्रेस करेंगे यहाँ पे एक नया पैटर्न खाली पैटर्न रेडी हो गया है जिसमें हम अपना नया म्यूजिकल जो एक इंफॉर्मेशन है ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू, हमें एक पहला पीस मिल गया है, पहला पैटर्न जस्ट एक आइडिया, उसको हम थोड़ा और डेवलप करेंगे, नाउ लेट्स हियर हाउ इट गोज, काइंड ऑफ फाइन नथिंग स्पेशल। Okay, there's one more thing that we can try. एक और चीज़ जो हम try करेंगे, इसे हम just play करने देते हैं, patcher है हमारे पास okay, so हम एक और चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं ये keys की जगह control all cut हम इसे patcher में paste कर देते हैं, ये आपको थोड़ा अलग लगेगा थोड़ा loud भी लगेगा, हम just दोनों FL keys को remove कर देते हैं ओके फाइन एंड पैचर को ऊपर पहुँचाते हैं, ये हमने आप सोचेंगे हमने इसे ऊपर नीचे कैसे करा ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपको शिफ्ट और अपने माउस का जो रोल अप कर देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, रोल डाउन आपका जो है वो नीचे हो जाएगा ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव दिस ऑन इंसर्ट 11, हम एक और इसका क्लोन क्रिएट करेंगे, कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा और क्लोन क्रिएट कर दें क्योंकि हमें आगे भी बहुत काम आने वाला है। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस प्लग फ्रॉम हियर, आपको बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही थी ओके, नाउ लेट्स कीप ऑन ओप्स कीप ऑन क्लोनिंग बिकॉज ये हमें मदद करेगा आने वाले टाइम में ओके, अब इसमें जो है हम कुछ चीज़ चेंज कर सकते हैं। एनीवेज नाउ लेट्स begin with the next pattern, aapko kuch difference laga? Yes, difference laga, difference ye tha ki ab ye thoda loud ho gaya hai and hum patch mein yahan iska thoda awaaz bada dein, volume thoda down karenge, ye kafi zyada ek loud ho gaya hai, thoda volume down karenge ki jo hum bol rahe hain wo aapko sunna hi dena chahiye, samajh mein aana chahiye इस बैकग्राउंड में
दिस विल बी फाइन आई थिंक द वॉल्यूम विल बी फाइन ओके नाउ लेट्स कम हियर सेम चीज हम इसमें भी थोड़ा इसको थोड़ा बढ़ा देंगे ओके सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सेकंड पैटर्न हम शुरू करेंगे सेकंड पैटर्न से आर पियानो रोल हम हटा देते हैं इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है लेट मी कीप दिस हियर हैंडी ओके नाउ वन Take that idea. Record stop by clicking R. Okay, थोड़ा zoom in करेंगे क्योंकि हमें इसको quantize करना है. Control All Alt Q quantized हो गया है. एक और नोट हम ऐड कर सकते हैं इसमें जस्ट वेट यस नाउ लेट्स रोल इट ओके जस्ट हम यहां पे देखिए यहां पेंट का फायदा आ गया एक नोट हमें ऐड करना था हमने उसको ऐड कर दिया जस्ट रोल इट डाउन Shift Alt key, not Shift Alt key. हमने इसे just Control and left mouse drag करके and Alt Q quantize कर दिया. ये थोड़ा सा ही है. Let's Control. Okay. Quantize means Alt Q.
ओके नाउ हियर हम एक चीज को ऐड करना चाहेंगे और वो चीज है विल ऐड वन. ओके विल ऐड वन यस ऑर्केस्ट्रल यस विल ऐड वन डायरेक्ट वेव दैट सेंड साउंड ऑफ रिमूव इट. हम इसे हटा देंगे और इसको जो है डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से हटाकर इसको पैरा ईक्यू पे कनेक्ट कर देंगे. ओके फाइन दिस साउंड्स बेटर. ओके होम थर्ड पैटर्न प्लस दबाने से आपका आ गया. फिर से ओके नाउ लेट्स पेंट दिस आइडिया. इसमें हमें दो पैटर्न्स जोड़ने पड़ेंगे. एक पैटर्न है जो इसके यहाँ पे इस थर्ड जो बार से शुरू होगा. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सेम कंट्रोल ए ऑल्ट क्यू क्वांटाइज हो गया ये. वी डोंट नीड दिस वन. इस कोशिश करिएगा कई बार बाय मिस्टेक आपके कुछ. ओके एंड वील एड वन मोर पैटर्न हियर. हियर रिकॉर्डिंग स्टार्ट अगेन. That's wrong. We'll add again. 2, 3. The last portion of our time, Alt Q. Okay, that's fine. Let's now let's add one more pattern. Okay, this time hum ise pause kar dete hain and we'll delete this one and we'll add plugin called plug. Disconnect here also and then add to para. So we have connected the plugged. Ab ye FL Studio se aayega plugged. इनमें से होता हुआ फिर एफएल स्टूडियो में आउट हो जाए. ओके फाइन इट्स एक्टिव. नाउ लेट्स
ट्राई टू एड इट, कोशिश करेंगे हम इसको ऐड करने के लिए. लेट्स सी मैक्रोस स्मार्ट डिसेबल ऑल प्लगइन. अब एक और चीज करेंगे अपने सीपीयू को सेव करने के लिए. अभी देख पा रहे हैं ये जनरली हम प्लगइन्स जब हैवी प्लगइन्स यूज करते हैं सो उस वक्त जो है हमारे जो सीपीयू है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये प्लगइन्स काफ़ी हैवी होते हैं. सो हम लोग इसमें ऐसा करेंगे कि इन पैटर्न्स को ऑडियो क्लिप्स में चेंज कर देंगे. स्टार्ट जहाँ जहाँ हमारा जो पैटर्न होगा वो पैटर्न की जगह ऑडियो क्लिप्स आ जाएंगी. और यस पैटर्न थ्री एंड पैटर्न फोर Replace, start. Okay. Now, smart disable. Okay, now let's see how it goes. इसमें ही जो फोर बार में ही अपनी चीज़ों को ऐड करते रहेंगे. इसका कारण है बिकॉज अभी फिलहाल हम आइडियाज़ को लेंगे फिर उसके बाद में सबको जो है फ्रेम करेंगे अरेंज करेंगे प्रॉपरली. अभी फिलहाल जस्ट आइडियाज़ को हम ले रहे हैं सो इसीलिए हमको ये जो है अभी एक ही जो है सीध में हम इसको जो है लेके जाएंगे कंटिन्यू करेंगे. फाइन लेट्स सी हाउ इट गोस. Let's see. R1. Okay, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है. जस्ट एक बार चेक करेंगे. How will it go? Kind of. Let's see. यहाँ पे कोई आया है. Okay, why so? Got it. Okay, pattern four में हमें इसे नहीं करना था. हमें इसे हमने एक बहुत बड़ी गलती करी है एंड दैट इज ऐड नो ओके लेट्स ट्राई मार्कर मूव मार्कर
ओके ओके प्लस ओके यहाँ पे हमें ऐड करना है 1, 2, 3, 4 एंड इसके बाद हमें एक और पैटर्न ऐड करना है, तो वो वहाँ पे क्लैश कर गया और हमारा ये वाला पैटर्न को हैम्पर कर गया उसने। सो हम इसको पहले ऑडियो में रेंडर करेंगे एंड उसके बाद फिफ्थ से शुरू करेंगे, पैटर्न 5 से हम शुरू करेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपने मेन जो पैटर्न है उसको मिस कर जाते हैं इस तरह की गलती से। सो आप भी उसको अवॉइड करें। ओके पैटर्न 4 हो गया, हम पैटर्न 5 इसमें ऐड करेंगे। पैटर्न 5 हमारा जो है आएगा यहाँ पे। ओके लेट्स सी हाउ इट गोज। See how it goes. R. Okay, हमने ये आइडिया को कैप्चर कर लिया है, हम एक बार चेक करेंगे। फाइन दिस इज़ फाइन, हम इसे एक बार क्वांटाइज करेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके एक और पैटर्न हम इसमें जोड़ेंगे, उससे पहले हम फिफ्थ पैटर्न को क्लोन करेंगे, क्लोन नहीं करेंगे, हम इसे रेंडर करेंगे ऑडियो। ओके हमने एक पैटर्न और जोड़ दिया है। ओके नाउ विल ऐड हियर वन क्लोन, विल टेक टाइम, इट इज टेकिंग टाइम। Okay. Okay, now it's added in 15. It's a 15 mat karenge hum. Now let's add one more pattern. These are just to give you ideas. Aapko ye sirf ideas dene ke liye kis tarah se ye hum ise karte hain, is work ko kaise aage badhate hain. जस्ट इस एक पीस को और जोड़ने के बाद फिर हम लोग हम जो है इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। जस्ट वेट। Try this. एक बार इसे हम ट्राई करेंगे। R space 1
जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे जब हमने पहले क्लिक करा था तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड हो गया था, तो हमने उसको हटाने के लिए इसको एक बार क्लिक करा, इसे डबल बार क्लिक करते ही वहाँ का इन्फॉर्मेशन हट गया क्योंकि ये खाली इसको ये लेता है जब हम पहली बार से पेस्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा अपना वर्क कम करने के लिए। लेट्स ट्राई दैट। Let's see, the idea कैसा फ्रेम हुआ है। हम एक बार चेक करेंगे कि ये सब अपने लाइन पे है या नहीं, बिकॉज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी म्यूजिकल आइडिया है वो बिल्कुल टाइम पर पंच होना चाहिए, नहीं तो उसका ब्यूटी नहीं रहता है। आप इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा। एंड इट्स देयर, सो नाउ वी कैन रेंडर इट एज ऑडियो। ये ऑडियो से वर्क लेने का कारण ये है क्योंकि आपकी जो वर्क आइडियाज़ हैं वो जब आप मिडी में रखते हैं तो यहाँ पे आपका जो है जब हैवी, क्योंकि ये सब प्लगइन्स बहुत हैवी होते हैं एंड आप इस पे बहुत ज़्यादा सीपीयू आपका जो है ये यूज़ करता है, सो आप लोग जब इसे वर्क करते हैं तो आपका जो यहाँ पे वो रेड लाइन आने लगता है या आपका यहाँ पे ये जो है ये बार जो अभी 13 है तो ये 40-37 और भी ऊपर आने लगता है और जो है आपका ये क्रैश क्रैकिंग साउंड या एक तरह से आपको ये लैगिंग आपको महसूस होने लगता है। ये हमेशा कोशिश करें कि नीचे रहें, अभी फिलहाल ये पीछे चिपलिंग कर रहा है, बट अपने जो प्लगइन्स हैं उसको कोशिश करें कि ये स्मार्ट डिसेबल हो, इसके डिसेबल रहें स्मार्ट, मतलब जब ये यूज़ नहीं हो रहे हो तो ये बंद रहें और ये आपका जो है सीपीयू नंबर ये यूज़ बहुत कम हो, ठीक है, परसेंटेज काफ़ी कम हो। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज। मिस्टेक है, हम इस ऑडियो को डिलीट करेंगे। इसलिए आप अपने मिडी को कभी डिलीट ना करें और कई बार ये काम आ जाते हैं। लेट्स सी हाउ वेयर दिस मिस्टेक हैपेंड। ओके, लेट्स स्लाइड। आप पहले इसे ट्रैक करें जैसे कि आपका ये पूरा मिडी स्कोर जो है इसको ये अपने रेंज में ले रहे, उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। हमने इसे क्वांटाइज सही से नहीं करा। ओके, आई थिंक दिस इज बेटर। कंट्रोल ऑल एक बार फिर से।
कि हमने जानबूझ के ऐड करा है, इसका कारण अभी आपको बताएंगे। जस्ट गो टू होम। Let's see. इसको हमें थोड़ा ऑक्टेव हाई लेना हो। इससे हम ऐड लास्ट में ऐड करेंगे सिक्स पैटर्न। अब ऑडियो में हम रेंडर कर सकते हैं। एंड सेवेंथ में थोड़ा ट्रैक कर लीजिएगा जस्ट टू गेट सम। ओके सो ये जब आप सी क्लिक करेंगे तो ये रेजर शार्प कटिंग करने के लिए, पी क्लिक करेंगे पेंसिल, देन यू कैन मेक लाइक दिस, और आप राइट क्लिक से इसको इरेज कर सकते हैं, लेफ्ट से ला सकते हैं और राइट से इरेज कर सकते हैं। सो होप दिस विल बी फाइन। नाउ लेट्स मूव इट एज और सेव इट एज ऑडियो और वेव फाइल। Okay, fine. Now all these are there. Now, ये हमने सब बंद कर दिया है. There is a reason. Whenever we have to play a song, हमें जब भी एक song play करना होता है, हम उसको progression के तौर पर ले आते हैं. एक ही बार में सब elements को हम लाते नहीं. So now it will go like this. Oops. Song. Now 1, 2, 3, 4. Now there is one thing that I'm going to do here, and that is
रिमूव दिस फेलो हियर, हम इसको इसको यहाँ डाल देंगे एंड जस्ट वांट टू सी ये सही जगह ऐड होता है हमें. ओके, हम इसे जूम करके देखेंगे. कंट्रोल एंड आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये हो जाएगा. Let's see if this works. Music is all about trying things. ऐसा कोई hard fast rule नहीं कि आपको ऐसा ही करना है. Just try things which works for you. अगर आपको अच्छा लगता है then that's good. Otherwise go for another option. You know, let's see how it goes. There is one more thing that we can do, that is of this pattern ko isko aap aur jod sakte hain. Okay, now let's zoom it in, scroll, otherwise aap isse jaldi mein aap ye kar sakte hain. And okay, fine, now let's see. Now there is one more thing that you can do is you can cut. Okay, now let's see. So apne idea pehle jo create kara, you just try to use it and more musical idea aap usse create karne ki koshish kare. That's the objective of this. Okay, now let's see. What I'm going to do is I'll just see how this goes. Okay, let's try this. Scroll. Okay, now let's scroll. इसे control और shift इन दोनों का use करने से आपको ये अलग-अलग movement आपको देंगे. That all depends on you how you want to use it. Now let's see. I'm going to play this full throttle. So this is how it is. I hope that आपको इससे कुछ value मिला है. उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो process था जो हमने किया, ये just एक छोटा सा एक idea था that I just presented, जो आपके सामने हमने present किया. और जो हम generally अपने song में करते हैं उसमें थोड़ा अलग और थोड़ा modified advanced level में, थोड़ा इससे अलग level में करते हैं. और जो है कुछ और चीज़ें जो हम try करते हैं. और इसको पूरा आपने हमारे कुछ वीडियोस में देखा होगा कि पूरे ही स्क्रीन में ये आपको ये oops, I forgot. Okay. So आपको दिखता होगा पूरे स्क्रीन में ये पूरा जो है ये आप ये प्लेलिस्ट में ये पूरा अरेंज्ड होता है. ये हमने जस्ट अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल से आपको ये
दिखाने की कोशिश की, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने हमने प्रेजेंट करा है, और जो है उम्मीद करेंगे कि आपको ये हेल्पफुल रहा। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। हम कोशिश करेंगे इस म्यूजिक को, जस्ट सिर्फ इस म्यूजिक को ही जो है हम इसको अपने YouTube चैनल में डालने की कोशिश करेंगे। इसका एक नाम जो है अभी हम डाउट में, इसका एग्जैक्टली क्या नाम डालें, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जो भी नाम देना चाहते हैं इस गाने को वो नाम हम देंगे। बट आप लोग अपने अपने वेरिएशंस जो है उसमें आप अपने मन में जो आपको आइडिया आ रहा है वो डालने की कोशिश करें। तो जो सबसे अच्छा हमें लगेगा हम उस जो है टैग को या उस पर्टिकुलर कमेंट को एक्सेप्ट करके उस पर्टिकुलर नाम को जो है हम इस म्यूजिक को देना चाहेंगे। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एवरीवन।